Hello everyone, my name is Siyasta Singhal and I am from Team CA Cult and I welcome you all to our video. Well, आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में जरूर सुना होगा. चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर है, चाहे आप प्रोफेशनल है या फिर आप एक स्टूडेंट है, आपने कहीं ना कहीं ALP या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में जरूर सुना होगा. Let us understand ट्रांसफर प्राइसिंग या ALP होता क्या. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक XYZ इंक की ग्रुप कंपनी हूँ, यानी कि XYZ इंक एक US बेस्ड कंपनी है जो डील करता है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स पे. मैं उसकी एक इंडियन एंटिटी हूँ जो कि डील करती है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को बेचने में. अब XYZ इंक की इस एंटिटी यानी कि इंडियन एंटिटी को स्टेशनरी प्रोडक्ट्स कुछ परचेज करने थे टू सेल इट इन द मार्केट. अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वो परचेज करूंगी अपनी ग्रुप एंटिटी से या फिर मैं वो परचेज करूंगी किसी थर्ड पार्टी से. मैं वो अपनी ग्रुप एंटिटी से, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पेन परचेज करना है तो मैं अपनी ग्रुप एंटिटी से 22 रुपए पर पेन परचेज करती हूँ. वही चीज अगर मैं इंडिया में कहीं बाहर से परचेज करती हूँ तो वो मुझे 20 रुपए का पड़ता है. अब मैं अपनी ग्रुप एंटिटी को ज्यादा पैसे क्यों दूंगी अगर मैं वो इंडिया से सस्ते में खरीद सकती. अब लेट अस अज्यूम कि वो ग्रुप एंटिटी जिससे मैं परचेज कर रही हूँ इट इज इन केमेन आइलैंड. अगर आपको पता हो कि केमेन आइलैंड इज अ टैक्स हेवन, वहां पे टैक्सेशन रूल्स नहीं है, टैक्स नहीं लगता. इंडिया में हाउएवर एक किसी भी एंटिटी का टैक्स लगता है विच इज समवेयर बिटवीन 30% अप टू 30%. तो अब उस टैक्स को बचाने के लिए मैं चाहूंगी कि मेरा प्रॉफिट कम दिखे. एंड प्रॉफिट कम कैसे दिख सकता है, या तो मेरी इनकम कम रिपोर्ट हो या मैं अपने बुक्स में एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाऊं. इसलिए मैंने अपनी ग्रुप एंटिटी से वो 22 रुपए में परचेज किया जबकि वो वही चीज मैं बाहर 20 रुपए में परचेज कर सकती थी. इस चीज को पकड़ने के लिए टैक्स अथॉरिटीज या फिर ये कहें कि ग्लोबल टैक्सेशन ने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए. अब ग्लोबली ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस क्या कहते हैं कि अगर आप अपनी ग्रुप एंटिटी से ज्यादा में परचेज करते हो या अपनी ग्रुप एंटिटीज को ज्यादा में सेल करते हो तो वहां पे आप आर्म्स लेंथ प्राइस पे डील नहीं कर रहे. यानी कि जिस भी प्राइस पे आप बेच रहे हो या जिस भी प्राइस पे आप खरीद रहे हो दैट इज नॉट एन आर्म्स लेंथ प्राइस. आर्म्स लेंथ प्राइस का क्या मतलब है, आपने अपनी ग्रुप एंटिटी से जिस प्राइस पे डील किया दैट प्राइस शुड बी इक्विवेलेंट टू द प्राइस जो आप बाहर किसी एंटिटी को देते. हमारे एग्जाम्पल में जो 22 रुपए मैंने ग्रुप एंटिटी से परचेज किया विज़ जो 20 रुपए पे मैं किसी बाहर की एंटिटी से परचेज कर सकती. सिंस ये दोनों प्राइस आर नॉट सेम तो हमारा ट्रांजैक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज एट ALP, यानी कि इट इज नॉट कंसिडर्ड एट एन आर्म्स लेंथ प्राइस. अब इस प्रोविजन इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होता है, यानी कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 92-92F गवर्न करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस. अब सेक्शन 92 कहता क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप अपनी ग्रुप एंटिटीज के साथ कर रहे हो दैट शुड बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस. ऑल्सो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन ग्रुप एंटिटीज के साथ कर रहे हो टैक्स अथॉरिटीज उसको एनालाइज करते हैं, उनको लगता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो आपने आर्म्स लेंथ प्राइस से ऊपर ही रिपोर्ट किया है. मतलब अगर आपने रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन किया यानी कि आपने कुछ इनकम कमाई है तो आपने ज्यादा कमाई है, या एक्सपेंस आपने कम किया है तो उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. जो आपका प्राइस है वही ALP कंसिडर होगा. लेकिन अगर आपने कम पे दिया है या फिर अगर आपने कम रेवेन्यू कमाया है या ज्यादा एक्सपेंस दिखाया है तो इंडियन ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस अप्लाई होंगे. I hope you like the content. If you like our content, please do like and share our videos and do subscribe to our YouTube channel. Thank you and stay safe. Bye-bye.